को रिकवर ठीक होने में 3 साल तक इलाज चला था उनका। तो वो खाई थी, आज भी वो खाई है, तो खाई में पांडे गई खींचती भी। हाँ, तो एक गाइड जो था वो पेशाब करने के लिए निकला, तो बहुत बारीक आवाज थी पांडे जी की, आवाज बारीक थी, बारीक थी। मुझाऊ और टाइगर ने उसको पकड़ा था, उन्हें बचाओ पीछे से पकड़ा था, और भारी आदमी थे। उसने जो देखा तो उन्होंने मचाया हल्ला, और जब हल्ला मचाया तो कुछ गाइड सही, फिर और स्टाफ हो गया इकट्ठा, फिर गाड़ी भी दौड़ पड़ी। तो ये लगा लो कि कम से कम 60-70 पत्थर चल रहे थे उसके ऊपर, टाइगरस के ऊपर। पर टाइगरस ने छुड़ा लिया जी हमने। हाँ अच्छा छुड़ा लिया। हमने कहा जो दूसरे को मारती थी खैर, तो उसको भगाने के चक्कर में फिर सरदुली रिंगर साहब को बुला के वायरलेस करा, वो आए यहाँ, तो उनके पास में राइफल थी, वो राइफल भी थी और वो वो बैठे रहे छत पे। उसने कहा मैं ये देखता हूँ कि ये दोबारा आती है या नहीं आती है। फिर वो दोबारा आई, उसने खून भी चाटा, यहाँ दीवारों पर खून लगा था। अच्छा। फिर उसने कहा मैंने मारा नहीं उसको, और जिस टाइम उसे भगाने की कोशिश करी ना, आपको यकीन नहीं होगा, उसने कम से कम 1 क्विंटल की जड़ उठाई थी। 1 क्विंटल की जड़ उठाई थी। पहले निगम में जो है यहाँ लकड़ी तंदूर में लकड़ी आती थी ना, हाँ। तो गिरे पड़े पेड़ जो है वो एक आते थे, हाँ। उनकी जो एक आदमी, हाँ। वो भी टाइगर ने मारा था, हाँ। वो लकड़ी को बना के रखता था, हाँ। इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो उसकी जो जड़ थी 1 क्विंटल वजन था उसमें कम से कम, हाँ। उसको टाइगर ने ऐसे पकड़ के ना टाइगर ने और ऐसे करके उतारी थी। ये टेम्पा ने जो हमने उनसे छीन लिया था, तो 60-70 पत्थर चल रहे थे, एक भी अर्जुन उसके पत्थर लग गया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, अरे हटो बचो हटो, एक पत्थर नहीं लगने दिया हमने अपने शरीर पर। और ये वक्त दिन का था कि जी नहीं, रात का था, रात का 10:30 बजे 11 बजे। अच्छा, ओह, उनका क्या हाल हुआ बेचारे का? तो उनको फिर वहां ले गए थे, तो फिर वो दोबारा आज तक नहीं लौटे यहाँ। 3 साल 4 जब मैं मिला उनसे, उनके पास दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था उनका दिल्ली का, तो उनके मेरे ख्याल के 700 कुछ टाके हैं, और उनकी बीवी जो थी ना, उसकी भी एक आंख खराब हो गई रोते रोते, औलाद नहीं होंगे, तो वो जो टीआरसी से बाहर ही ना निकलते थे रामनगर में, टीआरसी में है वो। दुधवा सलूकापुर में